ओके, अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इफ एवरीबॉडी कैन जस्ट से अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, सो इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी बिकॉज़ वी वर टॉकिंग आल्सो, सो इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाही मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युदलिल फला हादिय लहु, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فاما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جوڑا ہے ہمارے درمیان سے ہماری بہت پیاری بہن نکی چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف بلا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت جو بھی ہم سنیں گے جو بھی یہاں محفل میں होगा वो उसके लिए सदका जारिया बने, और जो यहाँ से कोई सबक लेके उठेगा अल्लाह ताला उसे भी उसके लिए सदका जारिया करे, और अल्लाह ताला जो भी हम यहाँ दुआएं करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसकी बात करते हैं अच्छी, अल्लाह ताला उसके हसनात में उसको इजाफा करे। ऐसे वक्त पर सबसे ज्यादा हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे ज्यादा हम एक दूसरे को यही कह रहे होते हैं, सब्र करो, क्योंकि हम जब सबर करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें पता चलता है कि क्या सबर है क्या। इब्न कय्यम अल जौजिया उन्होंने 10 पॉइंट्स बताए और वो मैं 10 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी। भाई लोग भी अगर बैठना चाहें तो बैठ जाएं, आई हैव नो प्रॉब्लम। इफ देयर इज प्लेस एंड दे वांट टू जॉइन एंड सिट, आई हैव नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। या 10 पॉइंट्स हैं जो इमाम इब्न कय्यम अल जौजिया ने रखे हैं सामने, और सारी बात यही है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे मौकों से क्यों गुजारता है, ऐसे हवादिस से क्यों गुजारता है जहां हमें सब्र की जरूरत पड़े, और उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह ताला हमें टेस्ट करना चाहता है, हमें इम्तहान से गुजारना चाहता है। क्योंकि आप देखें ना, हर चीज वट एवर यू बाय इन द मार्केट और एनी वेयर एल्स, जो भी चीज आप लेने जाते हैं, यू पे हाउ मच यू पे दैट मच यू गेट, सो दे से इट्स वर्थ इट। दैट मीन्स आपने जो जितने पैसे दिए वो चीज उतने की थी या उस हिसाब से मुनासिब थी, तो यू पे अ लॉट टू गेट समथिंग दैट यू डिजायर। एंड वॉट डू वी अल्टीमेटली डिजायर? वी अल्टीमेटली डिजायर जन्ना, we ultimately desire the best reward of Allah subhanahu wa ta'ala, which is Jannat al-Firdaus. So you don't think it's going to come free. तो अल्लाह ताला हमें कुछ चीजों से गुजारता है ताकि हमारे गुनाहों को धोले और हमारे अजर हमारे लिए महफूज कर ले, हमारे दरजात को बुलंद कर दे, ताकि अल्लाह ताला हमको जन्नत के लिए फिर डिस्टाइन कर दे। इसलिए हमें इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है। वी हैव टू पे अ प्राइस टू गेट टू जन्ना, एंड हायर द प्राइस द बेटर द रिवॉर्ड अप देयर। सो आपको ये समझ में आना चाहिए, कभी कभी हम किसी बीमार को देख के, सफर करते हुए किसी को देख के, स्ट्रगल करते हुए किसी को देख के सोचते हैं पता नहीं इसने क्या गुनाह किए हैं, बेचारी बड़ा सफर कर रही है, कोई कैंसर से गुजर रही है, कोई हॉस्पिटल में पड़ी है, कोई कोमा में है। यू नो दे आर बिलव्ड पीपल ऑफ अल्लाह, Allah loves them, so Allah surrounds them with difficulties, health-wise, wealth-wise, morally, physically, family-wise. Allah tests them to cleanse them. ये तस्किया है उनका। गुनहगार तो हम सब है ना, कोई यहाँ खड़े होकर, कोई आलिम भी खड़े होकर ये नहीं कह सकता जी मैं गुनहगार नहीं। हम सब गुनहगार हैं, आगे पीछे हैं, degree varies, and we don't even know who we think is gunagar is maybe, you know, somebody very righteous in the eyes of Allah, and maybe somebody who we think is very righteous here looking apparently, theek hai, koi bahut zyada abaye hijab mein hai ya koi bahut zyada daadi topi mein hai aur hame lagta hai ki bas wahi jannati hai, you don't know, maybe he is somebody cursed by Allah, we don't know. So don't judge people and don't judge by their situation also. Aur is wajah se Allah taala puts you through वेरियस डिफिकल्टीज। देखिये, जब एक टीचर अपने बच्चे को सिखाती है ना कुछ, वो ये कहती है कि ये स्मार्ट बच्चा है, इसको एडिशनल देंगे काम, इसको थोड़ा और
एक्स्ट्रा लेवल का काम देंगे, ठीक है, बिकॉज ही इज आउटस्मार्टिंग द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सो लेट्स गिव हिम एन एक्स्ट्रा वर्क. व्हाई? उसके लिए टेस्ट भी एक्स्ट्रा क्यों होते हैं? क्योंकि ही स्मार्टर. सो व्हेन अल्लाह गिव्स यू समथिंग, अल्लाह विल टेस्ट यू अकॉर्डिंगली, ठीक है. और हमें इन टेस्ट से गुजरने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो सब्र है. तो सब्र को से कैसे गुजरा जाए, उसके 10 पॉइंट्स बताती हूँ, ताकि हम सब कुछ ना कुछ चीजों से गुजरते हैं. इट्स नॉर्मल, कभी सेहत में, कभी फैमिली डिस्प्यूट्स में, कभी बिजनेस में, यू नेवर नो व्हाट मे टेक यू नो द बेटर ऑफ अस. तो कहाँ और कैसे सबर करना है और उसको कैसे किया जाए? द फर्स्ट थिंग इज टू रियलाइज, ओके, दैट जितना आपका टेस्ट होगा उतना आपका रिवॉर्ड होगा. कीप रिमेम्बरिंग दैट. सो हार्डर द टेस्ट द बेटर द रिवॉर्ड. तो इसका मतलब अल्लाह आपके दर्जे बुलंद कर रहा है, जितना आपको टेस्ट में डाल रहा है उस उतना आपके दर्जे बुलंद हो रहे हैं. मत फिक्र करें, जितनी आपके टेस्ट से होगी गुजर गुजर उतने आपके दर्जे बुलंद हो रहे हैं. अल्लाह लव्स यू, डोंट एवर मिस्टेक दैट. शैतान विल कीप टेलिंग यू, विस्परिंग इट टू यू दैट यू आर डूम्ड, यू आर कर्स्ड, तुम तो बस कुछ नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बहुत गुनहगार हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, ये होना ही था, होगा. ये सब शैतानी वसवसे हैं. ही वॉन्ट्स टू मेक अस फील होपलेस. अल्लाह से नाउम्मीदी, मायूसी गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ने अपने रहमत के दरवाजे खोल रखे हैं अंटिल आर लास्ट ब्रेथ. सो वी हैव ऑप्शन टू गो टूवर्ड्स फॉरगिवनेस एंड तौबा एंड रिटर्न टू अल्लाह सुबहाना व तआला. तो द फर्स्ट पॉइंट इज रियलाइजिंग द रिवॉर्ड दैट कम्स विद द टेस्ट. सो द हार्डर द टेस्ट द मोर डिफिकल्ट द बेटर द रिवॉर्ड. द सेकेंड पॉइंट, रियलाइज आपको करना पड़ेगा कि आपका हर टेस्ट आपके गुनाह धोता है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कांटा भी अगर चुभता है तो उसका एक गुनाह माफ हो जाता है. अगर किसी को एक कांटा चुभने से एक गुनाह माफ होता है, तो जो अगर तकलीफ से गुजरती है, जो बीमारी से गुजरती है, जैसे मसलन हमारी बहन ने की, या कोई भी कोई तकलीफ से गुजर रहा है, दुश्वारी से गुजर रहा है, स्ट्रगल से गुजर रहा है, उसके गुनाह माफ हो रहे हैं. तो क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला बास तहूरन इंशाअल्लाह, डोंट वरी अबाउट इट, इट विल क्लियर यू, मेक यू ताहिर, इट विल गिव यू तहूर इंशाअल्लाह, सो दिस इज गुड फॉर यू. एंड ही ऑल्सो सेड डू नॉट कर्स योर फीवर. जब आपको बुखार आए तो उसे कोसो मत, तकलीफ आए, परेशानियां, ये कमबख्त घुटना नहीं चलता, ये कमबख्त पीठ नहीं चलती, ये स्टूपिड मेरा हाथ नहीं मुड़ता, ये सब नहीं कहो. एवरी सिंगल थिंग दैट इज नॉट वर्किंग इज बिजी एक्सपिएटिंग योर सिंस. आपके गुनाह धो रही है. अपने अपनी तकलीफों को बुरा ना कहो, शुक्र करो अल्लाह का, यहाँ तकलीफ हो रही है, वहां की तकलीफ से बेहतर है. तो हर तकलीफ आपके गुनाह धोती है, बस इतना याद रखो. थर्ड पॉइंट इज रियलाइजिंग दैट दिस इज फ्रॉम अल्लाह डिवाइन डिक्री. ये सब अल्लाह की कदर में लिखा जा चुका है, ओके. और ये ट्रायल, ये परेशानी, ये तकलीफ आपके लिए लिख दी गई थी आपके पैदा होने से भी पहले, तो आपका कोई उस पे बस नहीं चलेगा. लेकिन एक चीज है, यहां मैं बताती चलूं, एक चीज जरूर है जो कदर को मात भी करती है और कदर को पार भी करती है. अगर आप कदर में लिखकर लाए हैं बहुत अच्छी जिंदगी, सेहत, दौलत, शोहरत, सब कुछ, लेकिन बुरी नजर कदर को खत्म कर देगी. वन थिंग दैट सुपरसीड्स कदर इज बैड नजर, इवल आई. बुरी नजर जो है वो कदर को भी काट देती है. और इसी तरह इसका तोड़ क्या है? आपके दुआ, आपकी दुआएं कदर को, आपकी कदर को खोल देती है. तो बुरी नजर से बचो और अपने आप को महफूज रखो. इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो आपसे पैदाइश से भी पहले लिखा जा चुका था कि तकलीफ होनी है, इस तरह से आपको इस चीजों से गुजरना है. मगर कदर को, आपकी दुआ, आपके नेक आमाल, आपका सदका,
खत्म कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। खूब सदका दो, खूब दुआ करो, अस्कार नमाज, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करो ताकि आपको बुरी नजर खा ना जाए। फोर्थ पॉइंट, रियलाइजिंग दैट अल्लाह हैज अ राइट अपॉन यू, अल्लाह का हक है हम पर। ठीक है, तो अल्लाह का क्या हक है हम पर तकलीफ में? जैसे अल्लाह का हक है हम पर कि जब वो हमें कोई चीजों से नवाजता है तो हम उसे शुक्रगुजार बने, ये उसका हक है कि जब उसने दिया है हम उसकी शुक्रगुजारी करें। और जब वो लेता है हमसे कुछ, सेहत ले लेता है, औलाद ले लेता है, शौहर या बीवी ले लेता है, माल ले लेता है, कुछ भी ले सकता है, सब उसी का है। वी आर जस्ट कस्टोडियंस ऑफ व्हाट ही हैज गिवन अस, नथिंग बिलोंग्स टू अस। वी केम एम्प्टी हैंड्स, वी गो बैक एम्प्टी हैंड्स। व्हेन आई से नथिंग बिलोंग्स टू अस, नो वन बिलोंग्स टू अस। मेरे माँ बाप मेरे नहीं है, मुझे मिले हैं इतने अरसे के लिए, जब तक वो है या जब तक मैं हूं। मेरी औलाद मेरी नहीं है, तब तक है जब तक मैं हूं या जब तक वो है, उसके बाद सब खत्म ना। ये कस्टोडियनशिप है हमारी, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है, आई एम अ कस्टोडियन ऑफ इट। अल्लाह देता है ताकि वो देखे हम क्या करते हैं उन चीजों के साथ। हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम उसके लिए खर्च करते हैं, हम उसके रास्ते पे आते हैं कि नहीं आते, फिर वो लेना शुरू कर देता है। और अगर वो लेता है तो हमें सब्र करना है, वो देता है तो शुक्र करना है। तो शुक्र और सब्र का बहुत गहरा रिश्ता है। कैसे? जब आप ईमान लाते हैं, ये ईमान से रिश्ता जुड़ा हुआ है। आप ईमान कैसे लाते हैं? आप कहते हैं आमंतु बिल्लाही, मैं ईमान लाए अल्लाह पर, वह मलाइकते ही और उसके मलाइका पर, वह रसूले ही उसके रसूलों पर, वह कुतुबे ही उसकी किताबों पर, और फिर क्या, और यौमल आखिर पर, और उसके बाद क्या, कद्र खैर रही व कद्र शर रही। कद्र खैर पे तो हम ईमान ले आते हैं, मुझे सब कुछ मिला है क्योंकि एक्चुअली मैं हूं इतनी ब्यूटीफुल, इस खानदान से हूँ, इतनी डिग्रीज है मेरे पास, मैं तो काम में हूं इतनी अच्छी, तो मुझे सब मिल्कियत मिलनी ही थी, मैं तो अकलौती हूँ, मुझे तो ये होना ही था, तो सब कुछ भी टेक इट फॉर क्रेडिट। नहीं, सोल अल्लाह फजल, हु ही वॉन्ट्स ही गिव्स, हु ही वॉन्ट्स ही टेक्स इट फ्रॉम, इट्स अप टू हिम। We are nobody to interfere in anything. When he gives, we thank him, we are grateful to him, we show our gratitude to him. And when he takes it away, we have to make sabr. और कोई चारा नहीं, इसलिए कि वो अल्लाह का है सब कुछ और अल्लाह ही के पास पलटना है। तो अगर अल्लाह का हक जानते हैं हम, तो अल्लाह का हक है ये कि जब वो हमसे कुछ ले ले तो हम उस पर सबर करें, ये जानकर और यकीन रखकर कि ये हमारा था ही नहीं, उसकी चीज थी, उसने ले ली। इसीलिए जब नबी ससलम की कोई चीज खो जाती या कुछ कोई जरा सी भी तकलीफ होती है उनको, तो वो कहते इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जरूरी नहीं है कि किसी मरने पर ही आपको कहना है, किसी भी तकलीफ पे आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ यही है जो कुछ भी है वो अल्लाह का है और सब चीज अल्लाह के पास पलट कर जानी, और मैं भी अल्लाह के पास पलट के जाऊंगी, तो मेरा तो यहाँ कुछ है नहीं। इट्स जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ, इफ समथिंग इज लॉस्ट इट्स लॉस्ट, इट्स नॉट माइन एनी वे। अगर अल्लाह दे देगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी उसी की चीज चली गई है, क्योंकि तो सिर्फ उसी को पता है कहाँ है। ठीक है, तो वी जस्ट से इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन फॉर एवरी लिटिल, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया बुझ जाता था तो वो कहते थे इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि अचानक अंधेरा हो गया, फिर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो इन्ना लिल्लाह पढ़ते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड के अल्लाह का राइट है हमारे ऊपर कि हम अल्लाह की हर कदर पे, जो कदर शर है स्पेशली, उस पर हम सबर करें। ठीक है, और ये यकीन रखें कि सुभान अल्लाह, दैट देर इज अनदर ओपिनियन कंसेंसस ऑफ उलेमा, जिसमें वो ये कहते हैं कि सबर ऐसा हो जिसमें अल्लाह राजी हो सके, अपनी मर्जी वाला सबर नहीं करना, वो सबर करना है जो तो अल्लाह को राजी करते। और आपको ये भी बता दूं कि सबर का इम्तिहान कैसे होगा, एंड में मैं वो बताकर आपको फिर उस पर बात खत्म करूंगी। लेट मी फिनिश द पॉइंट्स। फिफ्थ पॉइंट, रियलाइजिंग दैट योर सिंस आर अ कॉज ऑफ ट्रायल्स। एक तो कदर में लिखा जा चुका है कि क्या क्या आपके साथ होके गुजरना है, उसका इट विल डिपेंड ऑन
कि आप अगर दुआ देते हैं, सदका देते हैं, तो वो चीजें आपके ऊपर हल्की गुजरेंगी। जो होना है वो तो होके रहेगा, क्योंकि अल्लाह लिख चुका है, आपकी कदर में लिखा जा चुका है, आपके पैदा होने से पहले। वो सब अपनी जगह है। लेकिन बात क्या है कि अगर आप इस्तगफार करते हैं, अगर आप सबका देते हैं, अगर आप अपनी नमाजें 5 वक्त पढ़ते हैं, अपने असकार करते हैं, तो अल्लाह वो चीज को होके गुजार देता है, आपको ज्यादा तकलीफ में नहीं छोड़ता। होके तो गुजरना ही है, लेकिन अल्लाह विल मेक इट इजी अपॉन यू। ठीक है। और फिर ये कि ऑल्सो यू मस्ट रियलाइज के जब अदर देन द कदर अगर आपके ऊपर तकलीफें आ रही हैं, हो सकता है वो कदर में ना लिखी हो, जरूरी नहीं हर चीज कदर में लिखी है, तो हर चीज नसीब पर मत मार दो कि मेरा तो नसीब ही खराब है। नहीं, सबको अल्लाह ने अच्छे नसीब के साथ ही भेजा है। हम गुनाह करके अपने ऊपर ट्रायल्स खड़े कर दे, हमारे गुनाह हमारे लिए आड़े आते हैं, दे आर लाइक बिग हम्स। जैसे रिस्क रोजी जब हट जाए तो समझ लो गुनाहों का अंबार आ गया। तकलीफें आ जाएं, कहीं से भी परेशानी आ जाए, याद रखो कि तुम्हारे गुनाह भी तुम्हारे लिए पिलर्स बन के खड़े हो जाते हैं। सर मारो उन पर या खूब इस्तगफार करो कि वो खत्म हो जाए, और फिर यू विल फील द पीस विद इन यू। जब आप इनफ इस्तगफार करते हैं और अल्लाह जब आपकी माफी कबूल कर लेता है, तो यू विल फील द पीस। अब आप ये दिल में सोचते होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेरे सिंस की वजह से है, ट्रायल, या मेरे कदर में लिखा था। सिंपल है इसका आंसर, बहुत सिंपल है। व्हेन द ट्रायल्स कम, इफ दे टेक यू टुवर्ड्स अल्लाह सुबहाना व तआला, देन इट्स द कदर, एंड इफ इट्स टेकिंग यू अवे फ्रॉम इट, देन इट्स योर ट्रायल। सी वेयर यू आर। आप अपना कनेक्शन अल्लाह से देखें, जुड़ रहा है, टूट रहा है, आप शिकायत कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या यू हैव द ट्रस्ट इन अल्लाह। अगर आपकी ये कैफियत है तो इट्स अ पनिशमेंट, सो मेक अस्तगफार, नो प्रॉब्लम, वी ऑल गेट द पनिशमेंट, वी ऑल आर सिनर्स, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। डोंट ट्राई टू थिंक ओ मुझ पे पनिशमेंट आ गई, सब पे पनिशमेंट आती होगी। खूब अस्तगफार करें, नथिंग एल्स, खूब अस्तगफार करें, बिकॉज ये उसका हक है। और आपको पता है कि अस्तगफार करने से और सदका करने से आपकी जो भी गुनाह धुल जाते, साफ हो जाते, ये बेहतरीन वे है ऑफ तस्किया। 6 पॉइंट, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ने आपको चुना है इस तकलीफ के लिए, हर एक को नहीं चुना आपकी तकलीफ के लिए। जो तकलीफ इस वक्त आप पे गुजर रही है ना, अल्लाह ने आपको उस तकलीफ के लिए चुना है, क्योंकि आप उठा सकते हैं, हर कोई नहीं उठा सकता। तो अल्लाह ताला डिफरेंट तकलीफें डिफरेंट लोगों को देता है, सेम तकलीफें सबको नहीं होती। ठीक है। अब कोई चीज आपको बहुत अजीज है और अल्लाह आपसे ले लेता है, तो उस तकलीफ के लिए अल्लाह पहले आपको प्रिपेयर करता है, आपको वो सबकत, वो ताकत, वो हिम्मत देता है टू लेट गो of something that is already destined or decreed to take it from you. So Allah has chosen you for that. You are a chosen one. So you should remember, सबसे ज्यादा trials और तकलीफें किन पर आई? अंबिया पर, they were the chosen ones. फिर सहाबा पर, they were the chosen ones. तो अल्लाह जिनको चूज कर लेता है, पिक करता है अपनी रहमत के लिए, उनको तकलीफों में घेरता है, हर एक को नहीं घेरता। एक जमाना था जब फतेह मक्का के बाद इतनी फरावानी थी मुसलमानों की, इधर से उधर तक मुस्लिम एम्पायर, पर्शियन एम्पायर भी कॉन्कर कर चुका था, जेरूसलम में उमर रदी अल्लाह अन्हु पहुंच चुके थे, और इतना बढ़ चुका था, मुस्लिम उम्मत बहुत बढ़ चुकी थी, पूरा शाम मुसलमान हो चुका था, पर्शियन एम्पायर, हत्ता के स्पेन तक सब पहुंच चुका था। तो सहाबा एक रोज खाने काबा में मुल्तजिम को पकड़ कर रो रहे थे, सीना रब कर करके। तो वहां से एक सहाबी गुजर रहे थे जो नए नए मुसलमान थे, उन्होंने कहा समझ नहीं आता है, आप लोग तो नबी ससलम के जमाने से स्ट्रगल कर रहे हो, जिद्दोजहद कर रहे हो, उनके साथ ही हो, अब तो सब मिल गया ना आपको,
फतह मक्का भी हो गया ना, सब तो आपके पास है, यहां से वहां तक एम्पायर आपके पास है, तो अब क्यों रो रहे हो कि ए अल्लाह हमें माफ कर देना, ए अल्लाह हमें माफ कर देना, सब कुछ तो आपने अच्छा किया और अल्लाह ने आपको इनाम से नवाजा, इज्जत दी, आपको इतनी सारी माल मिल्कियत हो गई, अभी तो आप इतने माशाल्लाह से रिच ममलिकत हो, अब क्यों इतना रो के कह रहे हो अल्लाह माफ कर देना? कहा क्योंकि इतनी फरावानी है कि डर लगता है ऐसा तो नहीं कि अल्लाह यहाँ हमें सब कुछ अच्छा दे रहा और वहां पकड़ लेगा, यहाँ सजा मिलेगी तो गुनाह माफ होंगे ना, तो हम माफी मांग रहे हैं अल्लाह से कि ऐसा ना करना कि यहाँ इतनी फरावानी दे दो और वहां पकड़ के कहीं डाल दो हमें, तो माफ कर दो हमें, अगर ये सब कुछ मिल रहा है तो माफ कर दो हमें, ऐसा नहीं हो कि हमसे कोई गलती हो जाए। दैट कॉन्शियस देवर दैट इफ एवरीथिंग वाज स्मूथ they were making more astaghfar because they were worried it should not be, because how else will they cleanse their sins? Not that they were sin free, no, sahaba did make mistakes, they commit sins and they used to even come and tell each other what to do, so this is where it is. Okay. Seventh point is to know that this trial is actually a beneficial medicine for you, ये आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद दवा है फ्रॉम द हीलर, वो जो सबको हील करता है, हकीम के ऊपर बैठा है ना उसकी तरफ से, क्योंकि उसे पता है कि आपके लिए फायदेमंद क्या चीज है। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब पनिश करती है और कहती है तुम इस कोने में बैठे रहो, दिस कॉर्नर इज फॉर यू, यू विल बी सिटिंग हियर, उस वक्त कॉर्नर में बैठ के क्या सोचता है, मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, कितनी जालिम माँ है, लेकिन माँ को पता है उसने वहां कोने में क्यों बिठाया। He will reflect upon what he did. He must come and ask for forgiveness and remember that he should not repeat it again. Allah does the same with us. Only we don't realize. We are quick to judge, quick to conclude. This is where it is. So it's a therapy for us. It's not that Allah subhanahu wa ta'ala is trying to destroy us. He's trying to build us. Allah हमें तोड़ता है ताकि हम खुद जुड़ने की, खड़े होने की कोशिश करें। अल्लाह हमें क्रश कर देता है कभी कभी तकलीफों में घेर कर, ताकि हम फिर वहां से उठें और सोचें कि कहाँ गलती की, क्या सही करना है, कि किस चीज की माफी मांगनी है, कौन सी मिस्टेक्स की है, दोबारा ना करें, और फिर खड़े हों अल्लाह की उम्मीद के साथ और उससे माफी मांगते रहें, गाइडेंस मांगते रहें, एंड अल्लाह विल गाइड। द एथ पॉइंट इज टू नो दैट द आउटकम ऑफ दिस मेडिसिन विल बी अ क्योर, अ वेल बीइंग, हेल्थ, रिमूवल ऑफ सिंस, रिवॉर्ड्स, आपको कैसे कैसे रिवॉर्ड्स अल्लाह ताला लिखता रहेगा कि इसने सबर किया, इसने कुछ नहीं कहा, एंड कुछ चीजें अल्लाह सुबहाना ताला कहता है सूरह बकरा में, कुछ चीजें तुम्हें बुरी लगती हैं पर वो तुम्हारे लिए अच्छी हैं, और कुछ चीजें तुम्हें पसंद है लेकिन वो तुम्हारे लिए खतरनाक है, तो मैं तुम्हें उनसे दूर कर देता और उन चीजों को तुमसे दूर कर देता हूँ, बिकॉज तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बारे में, क्योंकि अल्लाह कैन सी बियॉन्ड वी डोंट नो, ही नोज इट ऑल। द नाइन्थ पॉइंट, टू नो दैट अ ट्रायल was not given to you to destroy or kill you, rather it was given to you as a test, to test your patience, to try you, to see क्या तुम अल्लाह को भूल जाते हो, क्या तुम अल्लाह से शिकायत करते हो कि उसका शुक्र करते हो, क्या तुम अपने पास ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो तो, या जो चला गया है उसी के ऊपर अपने आंसू बहाते हो, तो अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करो ताकि तुम इस ट्रायल में ये देखो कि मेरे पास क्या क्या है, रादर देन थिंकिंग वॉट इज गॉन और वॉट आई हैव मिस्ड, एंड अल्लाह विल चूज यू एंड अडॉर्न यू विद द गारमेंट ऑफ वर्च्यू, अल्लाह ताला आपको ऐसे लिबास में ढांक लेगा जिसमें, जिसे कहते हैं इज्जत का लिबास, अल्लाह ताला आपको इज्जत के मकाम पे पहुंचाना चाहता है, और वो मकाम दुनिया का सिर्फ नहीं है, दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में और ज्यादा इज्जत देगा, तो ये मकाम ऐसा है कि, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को प्यार करता है ना, जिसको पसंद करता है, तो वो अब बुलाकर जिब्रील अलैहि सलाम से कहता है, या जिब्रील दुनिया में वो जो फलां बंदा है ना
मुझे बड़ा पसंद है। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक्साइटेड हो जाते हैं, वाह अल्लाह सुबहाना तआला लाइक समबडी इन दुनिया, सो ही सो एक्साइटेड ही गोज एंड टेल्स ऑल द एंजल्स अबाउट। पता है आज अल्लाह सुबहाना तआला ने बताया फलां को वो पसंद करते हैं, जब तुम लोग जाओ तो देखना उसे। तो वो फरिश्ते आते हैं उस फलां के पास, और उसके पास जो भी उससे मिलता है उसके कान में कहते हैं अल्लाह इससे प्यार करता है। तो आप चाहे ना चाहे आपको उनसे प्यार हो जाता है, विदाउट रियलाइजिंग व्हाई यू लव समबडी, यू डोंट इवन नो देम, बट यू हैव दैट फीलिंग ऑफ उन्सियत, दैट फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस, दैट सॉफ्ट कॉर्नर, इट कम्स बिकॉज अल्लाह लव्स दैट पर्सन। यू आर नॉट एबल टू हेट देम, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद देम। कितना भी आपके साथ कुछ भी हो, आपको वो बंदा, कोई आपको बुरा भी बताएगा उस बंदे का, आपको वो बंदा फिर भी पसंद आएगा, क्योंकि अल्लाह को पसंद है, बात खत्म। और फरिश्ते उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो सुभान अल्लाह, जब आपको अल्लाह ताला उस मकाम पे लाना चाहता है तो वो आपको सब्र से गुजारना चाहता है। द 10th पॉइंट इज टू नो दैट अल्लाह डिसिप्लिन्स एंड रिफाइन्स अस थ्रू डिफिकल्टीज एंड ट्रायल्स, क्योंकि हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। यू नो आई जस्ट रिमेम्बर माई चाइल्डहुड दैट आई यूज टू ऑलवेज, मैं अपने नाना से बहुत ज्यादा अटैच थी, मैं उनको डैडी बुलाती थी, और मुझे लगता था कि विदाउट डैडी माई लाइफ विल एंड, सो इफ एनी टाइम ही मेंशन कि मैं जब चला जाऊंगा तो आई वुड क्राई कॉपियसली, मेक इट डिफिकल्ट फॉर हिम, सच अ पेस्ट के उनको इतना सताती थी कि आप ऐसा बोले भी नहीं, क्योंकि यू आर गोइंग टू लिव फॉर एवर। दिस इज हाउ चिल्ड्रन थिंक ना, हमारे माँ बाप हमेशा रहेंगे, कभी हमसे जुदा नहीं होंगे, कभी आप तस्वुर नहीं करना चाहते कि वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जब वो छोड़कर जाते हैं तो अल्लाह सब्र भी देता है, और अल्लाह सुबहाना व ताला उसमें से गुजारता है, और अल्लाह हमको ये सब करके डिसिप्लिन करता है कि लुक एंड ही कीप्स रिमाइंडिंग अस नथिंग बिलोंग्स टू यू, यू ऑल्सो आर माइंड, यू डोंट बिलोंग टू योर सेल्फ, यू डोंट हैव राइट्स ओवर योर सेल्फ, अल्लाह हैज राइट्स ओवर यू, यू हैव टू जस्ट ओबे हिम, यू हैव नो राइट ओवर योर सेल्फ, यू कैन नॉट जस्ट डिसाइड टू डू वट यू लाइक, यू कैन स्पीक मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये जिंदगी तुम्हें दी किसने है? उस खालिक के तुम्हें पूरी तरह से अः अताअत करनी है, ताबे रहना है, उसको फॉलो करना है, उसके इंस्ट्रक्शन को, देन ओनली यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, यू नो इन इन वट एवर स्टेट अल्लाह विल पुट यू थ्रू, ही विल ऑल्सो टेक यू आउट फ्रॉम दैट। और सबर का, और ये ध्यान रखना कि मैं ये रिश्तों की बात बता रही थी कि जब अल्लाह हमसे छीन लेता है तो कैसे हमें फील होता है, तो एंड आई वॉज टेलिंग यू कि कोई किसी का नहीं है, और हम सब सिर्फ, हमें कस्टोडियनशिप दी गई है उन सब चीजों की जो हमारे दरमियान है। तो अल्लाह सुबहाना तआला हमें किस किस तरह से बताता है, गजवे ओहद का वाकया है कि गजवे ओहद में बहुत सारे लोग, एक तो शहीद भी हुए, भगदौड़ भी मची, तो एक औरत उसका बच्चा खो गया था, एंड शी डिड नॉट नो वेयर हर चाइल्ड वाज, एंड रसूल सल्लम आए देखने के कितने लोग माचे हो गए, शहीद हो गए, किसका क्या हाल है, तो वो ही वाज यू नो इन जा रहे थे वो सब देखते हुए। इतने में उन्होंने देखा एक औरत है रो रही है, और रो रो कर वो हर एक से पूछती तुमने मेरा बच्चा देखा है, तुमने मेरा बच्चा देखा है, और रोती जाती, और जो बच्चा उसको नजर आता है उसको गले से लगाती है और उसके सीना तर हो जाता है। तो शी वॉन्ट्स टू फीड हर चाइल्ड, शी इज मिसिंग हर चाइल्ड एंड शी कैन फाइंड हर चाइल्ड। नबी सल्लम उसको देखते रहे, इतने में उसको उसका बच्चा मिल गया, और वो इतना रोकर उसने अपने बच्चे को उठाया, फौरन अपने पल्लू में डाला और उसको दूध पिलाने लगी, और रोती रही और उसको गले लगा रही है, झूम रही है। रसूल सल्लम ने फरमाया तुमने देखा इस औरत को कैसे फिर रही थी, हर बच्चे को झूम रही थी, कोई बच्चा देख रहा है, किसी ने मेरा बच्चा देखा है, पगली सी हुई भी थी, और किसी का भी बच्चा उठा के गले लगा रही थी, और उसका अपना बच्चा मिला, इसका हाल देख रहे हो, लेकिन अगर अभी अभी पिघल बच जाए, सूर फूक जाए और कयामत आ जाए, यही माँ इसी बच्चे को यही फेंक दे,
और कहेगी मेरा कोई नहीं है, नफसी नफसी मुझे मत बचा लो। वो बच्चा भी आकर जब पलट के बोलेगा ना, ए माँ रुक जाओ, तो वो कहेगी मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी फॉरगिवन, आई जस्ट वॉन्ट टू बी प्लीज। दिस इज द पिक्चर ऑफ आखिरा नबी सल्लम वॉज ट्राइंग टू पेंट बिफोर द सहाबा कि दिस इज हाउ इट इज, किसी का कोई नहीं है, वहां जाकर सबने अपनी अपनी सोचनी है। और सबर का मामला जो है कि मैंने जब आपको कहा कि सबर कब और कैसे काउंट होता है, उसका वाकया भी गज़वे उहद से एक जुड़ा हुआ है और एक एक्सपीडिशन से जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। वो कि एक औरत थी और वो इसी तरह आई जब नबी सल्लम देख रहे थे लाशों को कि कौन कौन गुजर गया है। वो आई और उसने कहा मेरा भाई मेरा भाई, और उफ मेरा भाई गुजर गया, और रोने लगी जोर जोर से। नबी सल्लम पीछे से आए, उन्होंने कहा बीबी वेल मत करो इतना ज्यादा, वेलिंग इज नॉट अलाउड, आहुजारी बहुत ज्यादा मत करो। तो उसने कहा आपको क्या पता, भाई तो मेरा गुजरा ना, आपका तो कुछ नहीं गुजरा, आपको क्या पता तकलीफ कैसी होती है अपने को खोने के लिए। जाओ, अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु पास खड़े थे, और उनका आपको पता है उनका क्या मकाम है अबू हुरैरा का, कि वो सारा वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के पास बैठे रहते थे कि वो कुछ बोले मैं सुन लूं और फौरन मैं मेमोराइज कर लूं। तो इसीलिए अबू हुरैरा से आपको सबसे ज्यादा हदीसें मिलती हैं। तो अबू हुरैरा पास खड़े थे, उन्होंने कहा कुछ कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं पता कर लूं उन्होंने क्या कहा इस लड़की को, कुछ जरूर एडवाइस की होगी। वो दौड़ते हुए आए इस लड़की के पास, उसको कहने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे क्या कहा अभी। तो उसने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं पता। नहीं, अभी जो आके उन्होंने तुमसे कहा, कहने की वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मैंने तो उनको पहचाना ही नहीं, मैं इतनी अपने गम में उस वो थी, मैंने पहचाना ही नहीं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मैंने तो उनको ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने कहा जाओ जाके तुम उनको माफी मांगो। तो वो फौरन भागती भी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगी, नबी सल्लम या रसूल अल्लाह प्लीज रुकिए ना, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने गम में आपको पहचाना नहीं। तो कहा कि सबर उस वक्त काउंट होता है जब चोट लगती, उसके बाद तक अकाउंट नहीं होता, तो अब फायदा नहीं। ये है पॉइंट, जिस वक्त चोट लगती है सबर उस वक्त काउंट होता है, बाद में तो सबको ही सबर आ जाता है, क्योंकि यू हैव नो चॉइस बट टू टेक इट एंड एक्सेप्ट इट, बट टू एक्सेप्ट इट एट द पॉइंट व्हेन इट हैपेंस, दैट्स व्हेन द सबर इज काउंटेड, नॉट आफ्टरवर्ड्स। और सबर की मिसाल ऐसी है कि इसकी ऑफ कोर्स वी नो द सबर की बेहतरीन मिसाल तो अय्यूब अलैहि सलाम है, और सबको उनका वाकया पता है कि अल्लाह ने उनसे सब कुछ ले लिया और शैतान उनसे मांगता गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि किस तरह वो जा जाकर उनकी सब चीजें खराब करता था और वो फिर भी शुक्र करते थे। उनकी मिसाल तो है, लेकिन एक सहाबी की मिसाल आपके सामने रखूंगी क्योंकि मुझे उनकी मिसाल बहुत दिल पे लगती है। ये सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्न तलहा। इनकी कहानी ये है कि सुबहान अल्लाह, ये एक एक्सपीडिशन पे भेजे गए थे बाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका एक ही बेटा था और वो अपनी बीवी के साथ छोड़कर और वो एक्सपीडिशन पे गए हुए थे। जब वो वापस आते हैं तो ये एक तरीका था अरबों में कि ऑब्वियसली फोन कॉल्स और ये सब तो नहीं होता था ना, टू इन्फॉर्म यू एंड कम होम, तो हमेशा एक छोटा बच्चा या कोई कासिद भेजते थे घर पे कि बीवी को इन्फॉर्म कर दो कि हस्बैंड आ गया है, ताकि वो तैयार हो और उसको रिसीव करे, हस्बैंड को उसकी मेहमानी करे प्रॉपरली। सो ही हैज गॉन टू एक्सपेडिशन, अबू तलहा हैज गॉन टू एक्सपेडिशन एंड द वाइफ इज एट होम। अबू तलहाज वाइफ वाज लुकिंग आफ्टर द सन, उसको बहुत सख्त बुखार हुआ और वो बुखार इतना बढ़ा, इतना बीमार हुआ, वो इतना बीमार हुआ कि वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था बीमारी में, बिल्कुल वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर था। और उसने कासिद ने आके बताया कि अबू तला आ गए हैं, उसने कहा ठीक है, लेकिन उस वक्त उसका बेटा गुजर गया। नाउ शी इज इन फिक्स, यहाँ हस्बैंड का हक है कि वो आने वाला है, आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर हिम एंड हियर माई ओनली सन हैज पास्ड अवे, अब क्या करूं, दुख करूं, रो रही है वो माँ, लेकिन उसने आंसू पोंछे
जाकर गुसल किया, बच्चे पे चादर डाली तो पिटन ही स्लीपिंग, जाके गुसल किया, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई, मेकअप किया, जेवर पहने, खाना बनाया और कासिद को भेजा कि उसको कहो वाइफ इज रेडी टू रिसीव यू। व्हेन ही केम होम शी रिसीव्ड हिम विद वेरी यू नो ब्यूटीफुल प्लेजेंट्रीज, अच्छे से रिसीव किया, उसको खाना खिलाया, उसके साथ प्यार से बैठी, उसके साथ रात को हम बिस्तरी की। इतने दिनों बाद चौहर घर आया है, ही नीड्स हर टू फुलफिल हिज डिजायर्स, वो भी किया और उसके साथ उसको कहा कि सो जाओ, वो सो गया। उसके बाद ये उठी फजर पर, इसने उठाया अपने हस्बैंड को और कहा, और उसने पूछा भी बेटा कैसा है, सुना वो बीमार था, तो कहा अब वो बीमार नहीं, अब वो बिल्कुल बीमार नहीं, अब वो बीमार नहीं होगा। बस उसने झूठ भी नहीं बोला क्योंकि अब तो वो बीमार नहीं है ना, वो तो खत्म ही हो गया। सुबह उठकर उसने उसको कहा, पहले नाश्ता कराया उसको, फिर कहा कि मुझे तुम्हें बताना है कि तैयारी करो मैयत की और कफन की, बेटा रात को गुजर गया। वो तो दंग रह गया, क्या कह रही हो, मेरा बेटा गुजर गया? और उस जमाने में अरबों के लिए और आज तक ऐसा ही है कि बेटा मीन्स अलॉट, यू नो कि बेटा है मेरा वो, कैसे तुम तो मुझे अब इतनी आसानी से बता रही हो कि बेटा गुजर गया, कब हुआ ये? कहा तुम्हारे आने से बस थोड़ी देर पहले वो गुजरा। तो उसने कहा तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा क्योंकि तुम आ रहे थे, मुझे ये पता है कि तुम्हारा हक मुझे पहले अदा करना है, मैंने सबर किया उस वक्त और सिर्फ तुम्हारा हक पूरा किया। वो गुस्सा हुआ अबू तलहा, उसने कहा मैं जाके तुम्हारी शिकायत रसूल ससरत से करूंगा, बस बहुत हो गया, ये तो तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की, मुझे रात को क्यों नहीं बताया, मेरा बेटा गुजर गया और तुमने मुझे रात को नहीं बताया, सुबह तक तुमने बात ऐसे रखी, खुशी खुशी तुम मुझसे मिली, खाना खिलाया, ये सब क्या, मैं जाके शिकायत करता हूँ। वो पहुंच गया अबू तलहा रसूल ससरत के पास और जाके कहा या रसूल सलम, मेरी बीवी ने इस तरह से मेरे साथ किया। सारी स्टोरी उनको सुनाई, नबी सलम ने मुस्कुरा के कहा उसको बता देना और तुम भी, अल्लाह ने उसकी इस सबर को इतना पसंद किया है, इतना पसंद किया है कि तुम्हारा एक बेटा देके तुम्हें ऐसे 10 देगा, 10 बेटे देगा, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। और जस्ट टू कंक्लूड एंड टू लेट यू नो बिकॉज स्टोरी इज अप टू हियर, अबू तलहा हैड 10 सन्स एंड ऑल ऑफ देम वर हाफिज ऑफ कुरान। That was the inam that he got because of the sabr the wife showed at the time when you can imagine for a mother to lose the only son and she had to have the sabr to fulfill the right of the husband. So subhanallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the kind of sabr that is pleasing to him. Allah hame aisa sabr de jisse wo razi ho jaye. और अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को निकी के लिए खास तौर से कबूल करे। अल्लाह ताला निकी के तमाम गुनाहों को, खताओं को अपने फजल और रहमत के साथ माफ कर दे। अल्लाह ताला उसको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता करे। अल्लाह ताला उसकी कब्र को रोशन कर दे, कुशादा कर दे, खुशबूदार कर दे, हवादार कर दे। अल्लाह ताला उसके तमाम मराहिल को आसान कर दे। अल्लाह ताला उसके जितने भी लोग पीछे छोड़ गए हैं उसे, अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे, सब्र जमील अता करे और उन्हें नेक हिदायत दे, और जो भी उनके लिए सदके दुआएं करते रहे यहाँ पर अल्लाह ताला उस तक पहुंचाए और उसके हसनात में इजाफा कर दे। अल्लाह ताला हम जब आगे जाएं पीछे उसके तो अल्लाह ताला हमें भी अच्छा आखिर दे, कलमा शहादत पर हमें अल्लाह ताला मौत दे, और अल्लाह ताला हमारी भी कब्रों को रोशन कर दे, अल्लाह ताला हमारे लिए भी हमारे मराहिल आसान कर दे, और अल्लाह ताला हमें भी नेक हिदायत दे हमारी आखिरत की कामयाबी के लिए। अल्लाह ताला निकी को बहुत कामयाबी दे उसकी आखिरत में, अल्लाह ताला उसकी औलाद को सेहत तंदुरुस्ती आफियत के साथ रखे, सब्र के साथ रखे और उसके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को कबूल करे, जो जो यहाँ आए हैं, जो आके चले गए, जो नहीं आ सके, अल्लाह ताला उन सब की भी अल्लाह ताला दिली जायज ख्वाहिशात को पूरी करे, उनकी दुआओं को पूरी करे, मुरादों को पूरी करे, अल्लाह उनकी मुश्किलों को आसान कर दे,
बीमारों को, तकलीफ ज़दा को अल्लाह ताला शफाए कामिला व आजिला अता करे, और तमाम तकलीफों से अल्लाह ताला रुखसत दे, अल्लाह ताला निजात दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह ताला हम पर रहम करे, जो कुछ भी हम पढ़े समझे हमें याद करा दे और अमल आसान कर दे, और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करके हमें अपनी जुआरे रहमत में जगह अता करे, गरीक रहमत बनाए। या रब्बुल आलमीन हम सब की दुआओं को निकी के लिए कबूल फरमा। अल्लाह जो भी यहाँ पे खाएंगे पिएंगे बात करेंगे और जो सीखेंगे अल्लाह सब कुछ निकी के पलड़े में डाल दे रब्बुल आलमीन, सारा उसको अजर दे दे, सारा सवाब उसको पहुंचे रब्बुल आलमीन। अल्लाह और ज्यादा उनकी औलाद को सदका देने, दुआएं करने, इबादतें करने, अपनी माँ को पहुंचाने की तौफीक अता करना रब्बुल आलमीन। और अल्लाह हम सबको हमारी इस महफिल को कबूल करना, जो कुछ भी यहाँ सही था फायदेमंद था सब तेरी तरफ से है अल्लाह, और हम तेरे शुक्र गुजार हैं। इसके बदले हमें तू दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमा, और अल्लाह दुनिया और आखिरत की शर से बचा के रखना, और अगर कोई भूल चूक थी तो या मेरी कमजोरी, अल्लाह मुझे बेहतर काम करने की तौफीक अता कर, और अगर शैतान का फितना है तो अल्लाह हमें उसके फितने से बचा कर रख और अपनी पनाह खास में रख। अल्लाह कबूल कर ले सायरा का अपना घर खोलना, अपनी समधन के लिए, अपनी दोस्त के लिए, अपनी बहन के लिए, और हम सबका यहाँ जुड़ना अल्लाह तो कबूल कर ले उसके हक में। ए परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल कर ले। ए रब्बुल आलमीन हम गुनहगार हैं, बस तुमसे वो अमल करा जो तुझे राजी कर दे, वो सबर करा जो तुझे राजी कर दे रब्बुल आलमीन, और हमारे गुनाहों को माफ कर दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउन अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंता तवाबुर रहीम। बिरहमतिका यार हमर राहिमीन, बिरहमतिका यार हमर राहिमीन, बिरहमतिका यार हमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी अजमईन व बारिक व सल्लम अलैह। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। बारक अल्लाह जी। अच्छा 1 मिनट बहनों, 1 मिनट रुक जाए आंटी बोले जी। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी, इल्तिजा है कि ए रब्बुल आलमीन इस महफिल के बरकत से तू सबकी दुआ कबूल करता है। अल्लाह मेरी दुआ इनके हक में कबूल कर, जो शाहीन बहन बीमार हैं अल्लाह उनकी बीमारी को रफा दफा करके शफाए कामिला वाजिला अता कर, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, और जो भी तकलीफ से वो गुजरी है उससे उनके गुनाहों को माफ कर दे अल्लाह, और उनके लिए राहत के रास्ते, आफियत के रास्ते खोल दे। आमीन या रब, आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। जी आई वर्क फ्रॉम होम, आई हैव क्लिनिक सेट अप एट होम। यस इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।